मैं शीतोष कुमार सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हूँ कानपुर नगर में। सामान्यतः केसेस तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है फिजिकल वायलेंस के, इमोशनल वायलेंस के, इकोनॉमिक वायलेंस के, आर्थिक हिंसा के, कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है या उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसका धन था वो ले लिया गया है, और गाली गलौज, मारपीट, ये तो सभी केसेस में, लगभग 90% केसेस में ये तो होता ही है। इसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक जो आप जिसको कहते हैं भावनात्मक हिंसा और शारीरिक हिंसा, ये तो होती ही है। सबसे पहले तो एक DIR जिसको बोलते हैं घरेलू हिंसा रिपोर्ट जो है उसको फाइल कर सकती है, उसको दायर कर सकती है। वो संरक्षण अधिकारी के यहाँ कर सकती है, सेवा प्रदाता के यहाँ कर सकती है, या अपने जो संबंधित थाना है वहाँ कर सकती है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि नहीं, उसके जो संबंध हैं उसके पति के साथ या जिसके खिलाफ वो अपना कंप्लेंट कर रही है इस स्तर पे हैं कि उसे जो अधिनियम में आदेश कई सारे उसको अनुतोष दिए गए हैं वो प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है, तो फिर वो अपना केस फाइल कर सकती है कोर्ट में। इसके लिए या तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदद ले सकती है या वो सीधे जा सकती है, और कोर्ट से जो विभिन्न तरह के आदेश हैं, जैसे संरक्षण आदेश है, अगर उसे लगता है कि किसी तरह की हिंसा उसके साथ हो रही है और वो उसको रोकना चाहती है, तो वो कोर्ट से जाके संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती है, जिसके माध्यम से जो भी उसके प्रति हिंसा कर रहा है उसको हिंसा करने से रोका जाता है। इसी तरह अगर उसे अपने भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए, उसके पति ने उसको अलग रख दिया है, तो उसके लिए भी वो वहाँ से आदेश प्राप्त कर सकती है और उसको वहाँ से लाभ मिल सकता है। एक उदाहरण के तौर पर भी मैं बताना चाहूँगा कि पति जो है महिला को बहुत मारता पीटता था और उसको काम नहीं करने देता था, वो घरों में काम करती थी, उसको काम करने से रोकता था। उसकी एप्लीकेशन के क्रम में हम लोगों ने उसको बताया कि आप जो काम कर रहे हो वो कानून के तहत गलत है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उसका प्रभाव हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले उनसे मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि नहीं, उसमें परिवर्तन आया है और अब वो अपने वाइफ को अपने साथ रखने के लिए तैयार है और उसने ये प्रॉमिस किया है कि आगे से वो उस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसको अच्छी तरह से अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जो भी संरक्षण अधिकारी नामित है उसको जो मानवीय संसाधन है और कुछ वित्तीय संसाधन अवश्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि उसके पास कुछ रिसोर्सेज रहें जिसके माध्यम से उसको क्रियान्वित कर सकें।